नीचे गया तो अब्बू के दोस्त थे वो तितर लेके आए थे। वो कहते कि कुछ टाइम के लिए आप हमारे तितर अपने पास रखें, चलो सुबह जब हम आएंगे तो फिर आपसे ले जाएंगे। मैंने खोल दिया तो मैं जल्दी से अपना दरवाजा ही बंद कर देता हूँ, फिर ऐसे ना भागना चाहे। और अभी इसे एक एक को पकड़ते हैं और उधर शिफ्ट करते हैं। तो आ जाओ शाबाश, चलो आ जाओ शाबाश, फ्रेंड के पास जाओ। तो मैंने संभाल लिया और मैं आपको दिखा दे तो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे दिखे जी, माशाल्लाह से 3-4 दिन इधर ही हमारे घर में रहेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और दोस्तों आज तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप भी सोच रहे होंगे मास्क इसने क्यों लगाया। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे रात को बुखार था और काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो नज़ला था और गले का दर्द था, जिसकी वजह से मैं बोल ही नहीं सका। तो मैं ऊपर आया था, इनको दाना वगैरह तो मैंने डाल दिया है और उनको भी मैंने दाना वगैरह डाल के बंद कर दिया। तो मैं क्या, चलो थोड़ी देर में धूप में बैठ जाऊँ तो तबीयत मेरी ठीक हो जाए। गोली वगैरह तो खा ली थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। मुझे जो लग रहा है अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो मेरे परिंदों का ख्याल कौन रखेगा। तो क्योंकि मैं या अबू ख्याल रखते, अबू नहीं होता तो मैं ही ख्याल रखता हूँ। अब मैं जल्दी से जाता हूँ बाहर डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगवाता हूँ और आप दुआ करें कि शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ये आ गया मैं छत पर और तबीयत काफ़ी बेहतर है, आराम कर लिया था तो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब तबीयत बेहतर हो गया। और जैसे ही आता हूँ छत पर इनको देखता हूँ तो मेरी तबीयत और अच्छी हो जाती है। मतलब कि ऐसा फील नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या कुछ, जब इनको देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो चले ऊपर आ गया हूँ, अब जल्दी से मैं उन चूज़ों को खोल लेता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे, मैं जब नीचे था तब भी उसके शोरों की आवाज़ आ रही थी, मतलब उनको भूख लगी है। तो जल्दी से हम इन्हें दाना डाल देते हैं क्योंकि आज दाना मैंने इनका उधर नहीं रखा, दाना इनका मैंने उधर अंदर रखा हुआ है। वहाँ से दाना लेके आते हैं और इनको दाना डालते हैं। सबसे पहले हम अपने चूज़े ने मुर्गी को खोल लेते हैं, 10 से 15 मिनट हम उसे खोलेंगे, उसके बाद फिर हम अपने मुर्गे खोलेंगे क्योंकि एक साथ नहीं खोलते, वो फिर से बंद करते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ शोर ना करो, आ जाओ, चलो 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 शाबाश। तो हमने तो इनको खोल दिया, अब जल्दी से जाते हैं इनके लिए रोटी लेके आते हैं। तो ये मैं अंदर ले जाता हूँ, वहीं पर रोटी बना के हम फिर बाहर लेंगे, इन्हें डाल देंगे। तो चलें रोटी तो बना लिया है, तो हम इस तरह करते हैं, पता नहीं ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया, खुद बंद हो गया, समझ नहीं आई। तो जल्दी से इसे हम इधर रख देते हैं, सब्र याद देता हूँ तुम्हें, सब्र जल्दी से हम जो अंदर वाले कबूतरे हैं बोल लेते हैं, अब सारे बाहर आ जाएंगे तो हम सबको दाना डाल देंगे। आ जाओ अरे आ गए, और अब हम इनको रोटी डाल देते हैं। बारी है इनकी, सबर देर हूँ यार, सबर एक मिनट, सबर नहीं होता, देर हूँ, सबर। तो इसे भी डाल दिया है और इन सबको मैंने डाल दिया है। देखो माशाल्लाह जो हम लाए थे चूज़ा छोटा, देखिए माशाल्लाह उसे भी हमने डाल दिया है। तो अब आपको मैंने अंदर जाके एक चीज़ दिखानी है, उस दिन मैं आपको बताया था लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका तो बहुत अफसोस हुआ। तो फिर हमने जो इसका जो बच्चा था वो हमने उठा के इसके अंदर रखा था, तो मैंने क्या किया वो बच्चा मैंने वापस रख दिया है अपने माँ बाप के पास, क्योंकि वो दो थे। वो दोस्तों मैं अब वीडियो बना रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। मैं जैसे ही देखा तो मतलब कि वो जो बच्चा था वो भी मतलब फोत हो चुका है। सो पिछले दिनों हमारे तोतों के बच्चे मार रहे थे, फिर उस दिन कबूतर का बच्चा मारा बड़ा, और उसको फिर मैंने आपको बताया था वो मार गया। फिर उसके बाद एक और बच्चा मारा, वो भी मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। और जब मैं ऊपर आया हूँ मेरे को दाना डालने के लिए तो ये बच्चा भी मार गया। तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा कितना नुकसान हमारा क्यों हो रहा है। देखिए आपके सामने ये थे, जो दूसरा इसका जो बच्चा था वो मैंने इधर रख दिया था वापस, ये देखिए बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए इसको देखिए अचानक से पता नहीं क्या हो गया। और ये अभी मेरी नज़र पड़ी, मैं वीडियो बना रहा था, मेरी भी अचानक से नज़र पड़ी और मैं हैरान हो गया अचानक से कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक था, इससे कोई भी मसला नहीं था, बिल्कुल खा रहा था पी रहा था। इसे मैं उठाता हूँ आराम से और देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी ताज़ा है इसके। और ये भी जैसे कल वाला बच्चा बहुत ठंडा हुआ था, ये भी बिल्कुल ऐसा ठंडा हुआ है। तो दोस्तों समझ नहीं आ रही, देखिए बिल्कुल ठीक ठाक, आपको कल मैंने वीडियो में दिखाया और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही थी और देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था। और देखिए अचानक से देखिए फोत हो गया और ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 घंटे पहले ये फोत हुआ है। तो चले इसका जो मेरे ख्याल में जो बाप था वो भी फोत हो चुका है, ये भी फोत हो चुका है, लेकिन इसकी जो आँ है वो अकेली रह गई है। तो चले उसका भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें कोई मेल लेके लाना पड़ेगा। अब इसे लेके जाते हैं बाहर और साइड पे रख देते हैं ताकि उसकी मदर से ना देख ले। साइड पे रख दिया है, मैं और बच्चे देख लेता हूँ कि कोई सी और बच्चे को नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हम 2-3 दिन के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, काफ़ी ज़्यादा हमारे परिंदे मार गए। तो चलिए तो मैं साइड पे रखता हूँ, जिस टाइम मैं बाहर जाऊँगा तो उसे लेके जाऊँगा, हम और बच्चे चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, इसकी ग्रोथ ठीक हो रही है और माशाल्लाह से इन दोनों की भी ठीक हो रही है, और इन दोनों की भी देखिए माशाल्लाह से ग्रोथ ठीक हो रही है। मतलब कि हमारे पास 5 बच्चे रह गए,
दो इसमें ब्लैक शिराजी, दो ब्राउन शिराजी और एक ये रहेगा। आपको मैं एक और बात बताते हैं, जो हम तितर लेके आए थे माशाल्लाह सुबह सुबह काफ़ी आवाज़ें निकालते हैं और बहुत प्यारी प्यारी निकालते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बस हमारे कुछ दिन के मेहमान हैं, 4 से 5 दिन के मेहमान, उसके बाद फिर वो अब दोस्त आएंगे वो ले जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमने अंदर जगह बना दी है, जैसे हमारी पेटी पड़ी हुई थी हमने इसके उल्टा कर दिया। देखिए माशाल्लाह से दोनों भी अंदर जा के रहते हैं, और जो हमारी जो फाख्ता हैं इनकी समझ नहीं आ रही, इन्होंने सिर्फ वही एक बार ही अंडे दी थी, उसके बाद ये दोबारा अंडे दे रही नहीं है, तो इनकी भी समझ नहीं आ रही कि ये दोनों जोड़ा हैं या दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं। तो जल्दी से इनका दाना ख़त्म हुआ है, जल्दी से मैं इनका दाना डालता हूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों देखिए दाना खाने आए, तो दाना इनका मेरे ख्याल में ख़त्म है, तो मैंने जल्दी से दाना डाल देता हूँ। चलो चलो जी आ जाओ आ जाओ दाना खाओ। तो को मैंने बाहर रोटी डाली, चलो बाहर चलो 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 शाबाश, इधर को तंग ना करो, चलो 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 चलो। दोस्तों इन्हें मैंने बाहर रोटी डाली और ये फिर अंदर आ गए। ये इतना खाते मैं आपको क्या बताऊँ, जो भी रोटी होती है ना इतना खा जाते ना, मेरी समझ ही नहीं आती कि इतना खाते हैं। हालांकि औरों की मुर्गी खाती है लेकिन हमारे कबूतर काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं। तो चले औरों को मैं देखता हूँ, जिनका दाना काम है उनको मैं दाना डालता हूँ। खाल में इधर सबको ही दाना ख़त्म था और मैंने सबको ही दाना डाल दिया, जो नीचे बच्चे थे उनको भी दाना डाल दिया, और इसके फिर से आ गए। इधर थोड़ा सा मेरे से दाना गिर गया, तो देखिए सारे आके देखिए खाना शुरू हो गया। हालांकि बाहर रोटी भी पड़ी है, रोटी छोड़ के लेकिन इन लोगों ने दाना ही खाना है। देखो रोटी डाली थी, देखिए एकदम से इन लोगों ने रोटी खाई और देखिए सारी छत साफ़ हो गई है। मैं और जल्दी से रोटी ले आता हूँ। और दोस्तों रोटियाँ मैंने अभी अभी भिगोई थी तो ये मेरे काफ़ी सख्त लग रही है, तो 5 से 10 मिनट हम वेट करते हैं, जब रोटी नरम हो जाएंगी तब इन्हें थोड़ा सा हम डाल लेंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इनको तो हमने खोल लिया, इन लोगों ने बाहर खाना छाना खा लिया, और चलो चलो अंदर अंदर इन सबको हम अंदर बंद करते हैं। और अब बारी है हमारी चूज़ों की, चलो चलो चलो। नहीं दोस्तों इन्हें तो हमने बंद कर दिया और अब इन्हें खोल लेते हैं। हमारा छोटा सा नया चूज़ा है, आज बाहर और इनको खोल लेते हैं। और अब बारी है इसकी, नहीं दोस्तों इन्हें बंद कर दिया और इसको हमने खोल लिया। अब ये थोड़े घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि अब मैं दिन में सबको ही खोलता हूँ। पहले मैं क्या करता था, एक दिन इसे खोलता था एक दिन उसे, लेकिन नहीं अभी 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए हम एक मुर्गे को खोल लेते हैं ताकि ये लड़े ना इतना ज़्यादा। मैंने इनको रोटी अभी फिर रोटी डाली है और देखिए फिर इन्होंने रोटी खा लिया, और देखें ये बेचारे साइड पर मैं रोटी डाल रहा हूँ, देखिए सारे कबूतर खा रहे हैं। तो अभी इन्हें अब तीसरी बार अब हम रोटी डालेंगे, एक बार फिर मैंने रोटी डाल दिया। तो आज मैंने आपको एक हैप्पी न्यूज़ देनी है, हैप्पी न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह कल ये जो हमारी वाइट वाली मुर्गी है मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल इसके बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं इसे तंग नहीं करता, तो उम्मीद है कि ये आज ही निकालेगी, तो उसे हम तंग नहीं करते। जब इसके बच्चे हो जाएंगे ये खुद उठेगी और हम इसे उठाएंगे नहीं। उसके लिए देखिए मैंने दाना भी दे रख दिया और पानी भी इसको मैंने रख दिया। चलो जी आराम से बैठो और रिलैक्स होकर बच्चे निकालना और प्यारे प्यारे निकालना, ठीक है ना। अंडे इस बार ख़राब नहीं करने, क्योंकि 5-6 महीने से मेरे पास कोई बच्चे नहीं आए थे। एक हमारी जो मुर्गी जो भी मैंने बंद कर दिया है उसके भी बच्चे हमें मिले 5-6 महीने बाद, और दूसरे इंशाल्लाह हमें इसके बच्चे मिलेंगे। तो चलो जी तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, पानी भी तुम्हारा पूरा है, दाना भी तुम्हारा पूरा है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। देखिए अभी ये इधर था तो जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो देखिए वापस उधर चला गया, और देखिए इनको दाना वगैरह डाल दिया, देखिए इनको अभी रोटी डाली है तो वही खा रहे हैं, देखिए मुर्गे वगैरह नहीं खा रहे। हमारी जो कबूतर हैं काफ़ी ज़्यादा दाना खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा, और देखिए रोटी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। देखिए 3 बार डाली और 3 बार कबूतर ही खा रहे हैं। देखिए मुर्गे वगैरह देखिए आप उधर अभी ये गया उधर। तो चलें जी दोस्तों आज मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, खड़ा नहीं होया जा रहा मेरे से, तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो अब बेहतर हो गई है। तो चलें जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।